मूर्ति में सदी की महानायक अमिताभ बच्चन का एक अलग ही नाम और रुतबा है। अमिताभ जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, और अमिताभ जाने जाते हैं जहां एक ओर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए तो वहीं अपनी दमदार आवाज के लिए भी। अमिताभ बच्चन का ना सिर्फ बोलबाला है फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि टीवी टाउन की दुनिया में भी अमिताभ छाए रहते हैं। सोशल मीडिया पर अमिताभ एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन के करीबियों के बारे में, तो ऐसे कई रिश्तेदार हैं जो कि लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ पर अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना बच्चन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज, और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जहाँ एक ओर अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत ही प्यारा सा और खास नाता है, तो वहीं लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं अमिताभ के भाई अमिताभ बच्चन। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर अमिताभ की बेटियों के बारे में, तो अमिताभ की दो बेटियां हैं जिनका नाम है नम्रता बच्चन और नैना बच्चन। लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और आखिरकार किस तरीके की जिंदगी जीती हैं ये बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। हम बताएंगे आपको यहाँ पर नैना बच्चन के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बच्चन परिवार का एक अलग ही नाम और रुतबा है। बच्चन परिवार के सदस्य हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। जहां एक ओर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन एक एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, तो वहीं अमिताभ की पत्नी श्वेता बच्चन नंदा भी काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं। श्वेता ने भले ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम ना रखा हो, लेकिन श्वेता लाइमलाइट में बनी रहती हैं। अपने स्टाइल स्टेटमेंट और अपने लग्जीरियस लाइफस्टाइल के जरिए भी आज के समय में श्वेता अपने पति बिजनेस टाइकून निखिल नंदा के साथ बेहद आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। श्वेता बच्चन की दो बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे चर्चा का विषय भी बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गौर किया जाए अमिताभ बच्चन की भतीजी की तरफ, तो आखिरकार कौन है अमिताभ की भतीजी और कैसी जिंदगी जीती है? जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की भतीजी हैं नैना बच्चन, जो कि लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगी नैना बच्चन, जो वाकई में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहती हैं नैना बच्चन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नैना बच्चन अमिताभ के छोटे भाई अमिताभ बच्चन की बेटी हैं और बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि नैना बच्चन तब ज़्यादा सुर्खियों में आई थीं जब नैना शादी के बंधन में बंधी थीं बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर के साथ। जी हां, अपने खास लुक और अपनी एक्टिंग के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले एक्टर कुणाल कपूर के साथ साल 2015 में नैना बच्चन ने शादी रचाई। वहीं अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना ने साउथ अफ्रीका के सेसल्स शहर में गुपचुप तरीके से शादी की थी कुणाल कपूर के साथ, और दोनों की शादी को अब 6 साल होने जा रहे हैं। जी हां, साल 2015 में 9 फरवरी के दिन दोनों ही शादी के बंधन में बंधे थे। ऐसे में आपको बता दें कि गुपचुप तरीके से शादी रचाने वाले कुणाल कपूर और नैना ने जहां एक और फरवरी के महीने में शादी की, तो वहीं दोनों के वेडिंग रिसेप्शन किया गया दिल्ली में। अप्रैल के महीने में दिल्ली में ये रिसेप्शन हुआ और इस रिसेप्शन में परिवार के सभी सदस्य भी शामिल हुए। अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ नैना की शादी में पहुंचे और शाही अंदाज में रिसेप्शन किया गया था नैना बच्चन और कुणाल कपूर का। जहां एक ओर नैना बच्चन के रिसेप्शन में थिरकती हुई देखी गई अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन, तो वहीं श्वेता बच्चन के साथ बेहद प्यारा सा बॉन्ड शेयर करती हैं नैना बच्चन और वहीं भाभी ऐश्वर्या राय बच्चन भी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुणाल और नैना की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और दोनों की मुलाकातों का ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और बाद में धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया।
कुणाल कपूर के मुताबिक सामने आया है कि कुणाल कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम दोनों की पहली मुलाकात एक फैशन शो में हुई थी। वो करण जौहर का फैशन शो था, वहाँ नैना अपनी बहन श्वेता नंदा के साथ आई हुई थी और मैं वहाँ रैंप वॉक कर रहा था। वहीं कुणाल ने बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, स्टेज के पीछे मैं और करण शो को लेकर बात ही कर रहे थे और इस बीच कुछ सेकंड की हम दोनों की मुलाकात हुई। सोचा भी नहीं था कि कभी हमारी दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन दूसरे दिन हम दोनों को अलग अलग फ्लाइट से मुंबई लौटना था, लेकिन एक दूसरे से टिकट बदल गई जिससे हम दोनों बाद में एक फ्लाइट में ही मुंबई आए। जी हाँ, इस तरह से दोनों की मुलाकात हुई और बाद में ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वेल, जानकारी के लिए आपको बता दें कि नैना एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं तो वहीं कुणाल कपूर एक एक्टर हैं। दोनों की लव स्टोरी बेहद ही दिलचस्प है। साथ ही साथ आपको बता दें कि साल 2007 में जब अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन गुजर गई तो उनके गुजर जाने के बाद अमिताभ अपनी पत्नी रमोला और अपने तीनों बच्चों के साथ लंदन में शिफ्ट हो गए। लंदन में बेहद आलीशान जिंदगी बिताते हैं अमिताभ बच्चन। वेल, जहां एक और नैना जानी जाती हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर, तो वहीं उनके भाई भीम भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और बहन एक आर्टिस्ट है, पेंटर है नैना की बहन। बात की जाए यहां पर नैना के बारे में तो नैना बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के साथ भी बेहद प्यारा सा बॉन्ड शेयर करती हैं। दरअसल नैना बच्चन को देखा गया है भरपूर एंजॉय करते हुए फराह खान कुंदर के साथ। जी हाँ, जब अपनी कजिन सिस्टर श्वेता बच्चन नंदा के साथ पहुंची फराह खान कुंदर के घर और यहाँ पर पार्टी एंजॉय करती हुई नजर आई कुणाल कपूर और फराह खान के साथ। इस तस्वीर में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे नजर आ रहे हैं तो वहीं मलाइका अरोड़ा भी। वेल, इस तरह से देखा जाए तो नैना बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के साथ भी बेहद प्यारा सा बॉन्ड शेयर करती हैं। वहीं नैना लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। लाइमलाइट से दूर रहने वाली नैना भी काफ़ी खूबसूरत और आलीशान जिंदगी बिताती हैं। मीडिया के सामने आने से कतराती हैं नैना, लेकिन नैना अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी व्यस्त रहती हैं। फिलहाल अगर गौर किया जाए तो नैना कि अब तक एक भी बेबी नहीं है, तो वहीं कुणाल कपूर बीते लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर है और फिल्म इंडस्ट्री में महज कुछ ही फिल्में की हैं कुणाल कपूर ने। हमारे इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह की जिंदगी जीती हैं नैना बच्चन, और नैना बच्चन तब ज्यादा सुर्खियों में आई जब उन्होंने शादी रचाई बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर के साथ, और आज के समय में अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतरीन तरीके से बिता रही हैं नैना बच्चन। आप क्या कहते हैं यहाँ पर नैना बच्चन के बारे में, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।